I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE के. और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसको हम फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं. सो स्वागत है आपकी इस क्लास में, फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल की क्लास में. वह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, शानदार क्लास होगी आपके लिए. आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें. और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया कर ध्यान से देखें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं. और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक ज़रूर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें. से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट क्लास. और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक यूजफुल है. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, सो क्या आज हम पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर ही बोलते हैं. या सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं. यहाँ पे फ्यूचर सिंपल भी हम बोलते हैं. सो यह क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त क्लास है और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में. ओके, सो बिल्कुल ध्यान से आपको कहाँ देखना है, बोर्ड पर देखना है. और सबसे पहले हम सेंटेंस की किस पे जाते हैं, पहचान की बात करते हैं. ओके, पहचान की बात करते हैं. ओके, सो पहचान है सेंटेंस की क्या, गा गे या गी. लेकिन गा गे गी जिसका लास्ट में हो उसको हम क्या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे. क्या सही है क्या, नो. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फिर गा गे गी हो तब हम किसका यूज करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं. सीधी बात है कि आप क्रिया के साथ गा गे गी. जैसे मैंने लिखा पढ़ना, लिखना, ओके बोलना, ओके तो गा गी गी. तो पढ़ना को हो जाए पढ़ेंगे या पढ़ेगी, लिखना को क्या होगा, लिखेगी. ठीक है, बोलो को बोलेगी या फिर बोलेगा, तब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस आपका होगा. यह आपकी पहचान है, बहुत ध्यान से देख लेना इस पहचान को. क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, गा गे गी साथ में जुड़ा रहेगा. आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें क्या रहेगी, क्रिया रहेगा, एक्शन रहेगा इस क्लास में. सो बने रहिए इस क्लास में, विदाउट बोर हुई है इस क्लास में, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास में. और हम डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट हम सेंटेंस पर चलते हैं. सेंटेंस हम कुछ किसके रूप में लेते हैं, कुछ हम सेंटेंस लेते हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे जो सेंटेंस लेते हैं और इसका हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे हर बार की तरह. और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे आप अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं. उससे पहले एक बात मैं भूल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला सकते हैं क्या, चलो मैं खुद याद कर लेता हूँ. तो एक क्या है, इसमें नियम होता है. नियम क्या होता है, हर बार की तरह है कि आई और वी के साथ शैल का उपयोग होता है. याद रखना, शैल का उपयोग होता है, शैल वी का नहीं होता है. ना तो आप शैल वी समझो, शैल वी समझो, नो. किसके उपयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा. और बाकी के साथ जो बचे रहे, बाकी के साथ, बाकी के साथ, बाकी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम विल का यूज़ करेंगे. तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए इस क्लास में कि बाकी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे. आपको सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी इस क्लास में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना. हम पहले हम सेंटेंस उदाहरण के तौर पर लेते हैं. सेंटेंस को उदाहरण के तौर पर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ सके. तो जैसे वह लिखेगी, वह लिखेगी, मैं अच्छी
अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूंगा। ओके सचिन, थोड़ा अच्छे से लिखें, थोड़ी अच्छी राइटिंग है। तो सचिन, सचिन मैच खेलेगा, सचिन मैच क्या करेगा, सचिन मैच खेलेगा। हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम अंग्रेजी सीखेंगे। ओके वे घर आएंगे, वे घर आएंगे। ओके शिवानी, शिवानी अच्छे अच्छी राइटिंग लगा, शिवानी 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 स्कूल में गाना गाएगी। ओके शिवानी स्कूल में गाना गाएगी, कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है, शिवानी गाना गाएगी। सो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपके स्ट्रक्चर के लिए आगे बढ़ूँ। सो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, और मैं इसकी पहचान मिटाता हूँ, सेंटेंस लिखने लिखा रहने देता हूँ। ओके मेरी हिंदी भी खराब होगी लगता है, सही से बोलते नहीं बन रहे। ओके स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आसान है क्या, देख लो भैया क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, थोड़ा अच्छे से लिखें, ब्लू से लिखें क्या, एसी से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसे नेगेटिव बनाओ, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल कुछ नहीं है, बहुत आसान है, विल शैल के बीच में नॉट लगा दो, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही इंटरोगेटिव बना दो, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके ऐसे फोर्थ वाला बना दो, फोर्थ वाला ध्यान से बनाना है, ऐसे ही बिल्कुल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले बना दो, क्वेश्चन वर्ड मैंने सारी करा दी है जितना मैंने किया, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट ओके प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके अगर मैं बोल भी रहा हूँ तब सुन भी सकते हैं जिसका समझ नहीं आ रहा हो, तो क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल ओके प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके सो यह आपके जो 6 स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिए हैं बनाना, जो आप देख सकते हैं, तो 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस के बना सकते हैं। ओके मैं एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको सेंटेंस बनाना क्यों सिखाता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट नहीं क्यों नहीं बताता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस बोलो, क्यों मैं चाहता हूँ कि एक आप पहले सीखो, क्योंकि हम क्या करते हैं ज़्यादातर हम YouTube पर क्लासेस देखते हैं या फिर हम कोई सजेशन मांगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो जो उन्होंने बोला उसको हम दोहराने का प्रयास करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट आई कंसीडर डैट कि हम उसको रटने का प्रयास करते हैं, रटने का, या किसी ने सजेशन दिया तो सजेशन देने का, सजेशन उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, या फिर इस सेंटेंस कैसे बनेगा, इस सेंटेंस कैसे बनेगा, इससे अच्छा है कि आप सीख लो, आप खुद बनाते रहो, जैसे सेंटेंस बना आपके दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना चल जाए कि आप सेंटेंस को बना पाए, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि आपको सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप सीख जाओगे तो आप खुद बना सकते हो, तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई कंसीडर डैट कि इफ यू विल लर्न मैनी थिंग ऑफकोर्सली यू विल इम्प्लीमेंट इट योर सेल्फ, अगर आप सीख जाओगे तो आपको इम्प्लीमेंट कर लोगे। ओके सो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ओके आपने अपनी कॉपी में लिख ही लेना इसको, ओके स्ट्रक्चर को, और डायरेक्ट हम सेंटेंस बनाने के ऊपर जाते हैं। तो क्या कौन सा सेंटेंस आपको बनाना है बताओ,
चलो अच्छा सेंटेंस देखें, ये वाले लगते हैं। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा। कैसी अंग्रेजी बोलूँगा? अच्छी। इस पेन के यूज़ करते हैं थोड़े से, क्योंकि इनकी दिक्कत सी कर रही है थोड़ी सी। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा, क्या बोलूँगा? मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा। कैसे बनाओ? मैंने बताया था आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ किसका यूज करेंगे? हम विल का यूज करेंगे। ओके, सो आई शैल स्पीक गुड इंग्लिश। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, ये आपका सब्जेक्ट है, विल आपका शैल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है, तो मैं हमेशा क्वेश्चन में अदर वर्ड लिखवाता हूँ। अदर वर्ड में ये आया था इंग्लिश, या और भी लंबे अदर वर्ड आ सकते हैं। मैंने बोला था ठीक है, ऐसे नेगेटिव बनाओ। मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, हो सकता है। क्या बनाएंगे? आई शैल नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। अब किसी को नहीं सीखनी है तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो बोल नहीं सकते भैया, तू अंग्रेजी सीख ले अपनी भाषा में बोल दिया। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा? किसी किसी को क्या हो जाता है? डीमोटिवेट होते। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा यार? एस यू कैन स्पीक। तो क्या बनाएंगे हम इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? शैल I not speak good English। कैसे नहीं सीखोगे भाई? जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे क्या मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आप जरूर सीखेंगे, बोलेंगे कि नहीं? चलो मैंने उल्टा बना दिया था, एक इंटरोगेटिव बनाना था। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा? क्या मैं अच्छी अंग्रेजी, क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा? अच्छी अंग्रेजी क्या कहलाती है भैया? बोलूँगा जो आप कॉन्फिडेंट से बोलो। तो ये तो क्या मैं शैल आई स्पीक गुड इंग्लिश। अब किसी की नकल भी कर सकते हैं। मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह बोलूँगा? मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह बोलूँगा? क्या बताया था मैंने? एवर बीइंग हूँ। क्या बोलूँगे? एवर बींग हूम। जिसने नहीं देखा हो क्लास देख लेना, मैंने बहुत सारे बताए हैं। एवर बींग हूम शैल आई नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। भाई हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी बनाना है, ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी बोल दो। मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह बोलूँगा? किसकी तरह बोलोगे? किसकी तरह अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, नहीं लिख दूँ। मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह नहीं लिख दूँ, नहीं बोलूँगा। तो आएगा एवर बींग हुम शैल आई नॉट, यहाँ नॉट लगा दिया, शैल आई नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। ले भैया तू अंग्रेजी सीख जाए। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना, डोंट टेक टेंशन। ओके सो रिपीट करते सेंटेंस को। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा, आई शैल स्पीक गुड इंग्लिश। मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई शैल नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा? शैल आई स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा? शैल आई नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह बोलूँगा? एवर बींग हुम शैल आई स्पीक गुड इंग्लिश, मैं अच्छी अंग्रेजी किसकी तरह नहीं बोलूँगा? एवर बींग हुम शैल आई नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। ओके, ऐसे इस पे जाओ। बाय लिखेगी सी विल राइट, बाय नहीं लिखेगी सी विल नॉट राइट। क्या बार लिखेगी? विल सी राइट। क्या बार नहीं लिखेगी? विल सी नॉट राइट। बाय कब लिखेगी? व्हेन विल सी राइट। बाय कब नहीं लिखेगी? व्हेन विल सी नॉट राइट। बोल सकते हैं सचिन मैच खेलेगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन मैच नहीं खेलेगा, सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन मैच खेलेगा? विल सचिन प्ले क्रिकेट। क्या सचिन मैच नहीं खेलेगा? विल सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। सचिन मैच
क्यों खेलेगा, वाई विल सचिन प्ले क्रिकेट, सचिन मैच क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। आप बन सकते हैं बेघर आएंगे, चलो ये तो बना लोगे, ये बनाते हैं। स्कूल में गाना गाएगी शबानी विल सिंग सॉन्ग इन स्कूल, शबानी स्कूल में गाना नहीं गाएगी, शबानी विल नॉट सिंग सॉन्ग इन स्कूल, क्या शबानी स्कूल में गाना गाएगी, विल शबानी सिंग सॉन्ग इन स्कूल, क्या शबानी स्कूल में गाना नहीं गाएगी, विल शबानी नॉट सिंग सॉन्ग इन स्कूल, शबानी स्कूल में गाना कैसे गाएगी, हाउ विल शबानी सिंग सॉन्ग इन स्कूल, शबानी स्कूल में गाना कैसे नहीं गाएगी, हाउ विल शबानी नॉट सिंग सॉन्ग इन स्कूल। तो है आपकी प्रैक्टिस थी किसकी, ये थी फ्यूचर इंडेफिनेट की प्रैक्टिस। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल से इंग्लिश। इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, हिंदी बोलता हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन को प्रेस करें मतलब दबाएँ, और जो आपकी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करें, अपने रिश्तेदार तक शेयर करें, जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है अगर आप उनका भला करना चाहते हैं तो आप इनको वीडियो को शेयर करके ECLE के माध्यम से उनको बोल सकते हो कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने ये बोला देखिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आए तो ECLE के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बिल्कुल फ्री, जीरो पैसा लगेगा, कितना लगेगा, जीरो रुपया लगेगा, कोई बिल्कुल बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। क्यों सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ECLE ने वीडियो डाली है, ECLE पे वीडियो आई है, आपको सिर्फ सिर्फ जब अपन YouTube फैसिलिटी देता है सब्सक्राइब और बटन दबा वाला, उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जिस प्रकार मोबाइल पर मैसेज आता है, कौन सा मैन मैसेज आता है कि सर मैसेज किया पट्टे से आ गया, ऐसा ही मैंने वीडियो यहाँ अपलोड करी और अपने आपके पास वीडियो झट से आ गई, बुंदेलखंडी बोले तो वीडियो आपके जल्दी से आ गई। ओके सो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।